लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर के पंडरीनाथ थाना क्षेत्र के कबूतरखाना स्थित एक सोफा सेट बनाने वाले कारखाने में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कारखाना जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इंदौर के पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात कबूतर खाने की संकरी गलियों में टीन शेड से बने एक फर्नीचर के कारखाने में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि कारखाने में कर्मचारी खाना बना रहे थे, इसी दौरान कारखाने में रखी लकड़ियों ने आग पकड़ ली। यह तो गनीमत रहे कि आग लगने के बाद कर्मचारियों ने गैस की टंकी बाहर फेंक दी, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां भी संकरी गलियां होने के कारण गलियों में बड़ी मुश्किल से दाखिल हुई। बड़ी मशक्कत के बाद दमकलों ने आग पर काबू पाया। आगजनी की इस घटना से कारखाने में रखा पूरा सामान जल कर खाक हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। आज हम तो घर पे खाना बना रहे थे, लेडी सुनो, और एकदम आग लगी। सब आगे गैस की टंकी वगैरह सब बाहर निकाली हमने। आपके वहाँ कितना नुकसान हुआ, क्या क्या? हमारा ये टीवी भी गया, ये लाइट देखो ना, ये लाइट वगैरह, बाथरूम का सारा लाइट वाइट सब हो गया, दरवाजा और वो कूलर रखा हुआ पूरा कलर वो भी खराब हो गया पूरा। और वहाँ प्लास्टिक की थैलियों में कपड़े रखे थे वो भी सब जल गए, वो भी नीचे गिरे। सर, हमको सूचना मिली थी कि कबूतर खाने के पास में एक मकान में आग लगी है। हम तुरंत रवाना हुए और यहाँ आके देखा तो आने जाने का हमको रास्ता सही ढंग से मिला नहीं। बहुत सकड़ी सकड़ी जगह थी तो थोड़ी मुश्किल आई थी, फिर भी हमने 4-5 होज पाइप खोली और फिर आग को बुझाया। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।